हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस 2020 रिजल्ट और कट ऑफ को देखने वाले हैं। बट डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हर एक चीज को देखें, जाने वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको वीडियो के बाजू में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी दोस्तों, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कुछ दिन से, बट मैं वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था, आपको भी पता होगा कि अभी हमारे यहाँ पे कोरोना का माहौल चल रहा था। तो दोस्तों इसी रीजन बस सब लोग इसी में लगे थे और मेरा भी मन ही नहीं लग रहा था कुछ ऐसा वीडियो या स्टडी कराने का, बट अब इसका सिस्टम तो समझ में ही आ गया कि भाई अपने हाथ में जो है अपन वो कर ही रहे हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, प्लीज आप किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, आप अपनी आस्था में भावना में ना बहें, मंदिर मस्जिद कुछ टाइम के लिए त्याग दें और मस्त घर पे ही रहें और साफ सफाई बनाए रखें, इसी में हमारी भलाई है। जी हाँ दोस्तों, कहीं अभी हम इस सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल लेंगे, अभी थोड़ी बहुत सतर्कता बरत लेंगे तो दोस्तों आने वाला फ्यूचर आपका है। और यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो आने वाला भी फ्यूचर आप ही का है। अब आप लॉस में जाना चाहते हैं या फिर आपको बेनिफिट चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में ही रहिएगा और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, यदि कोई काम इम्पोर्टेंट है तभी बाहर निकलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हर एक चीज को कैसा क्या है। दोस्तों कुछ नजर हम कमेंट्स बॉक्स पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे इसलिए मेरे को वीडियो प्रोवाइड कराना पड़ा। आप लोगों के कमेंट्स सही आ रहे हैं, सर मेरा नंबर इतना आ रहा है, मेरा नंबर इतना आ रहा है तो क्या मेरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप दिनेश जी ने पूछा है 70 है इनका और कॉस्ट है इनका क्या OBC हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी मैं कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि आप इतने समथिंग लगा रहे हैं तो आपको बिल्कुल 101% होने वाला है। यहाँ पे फिर से पूछा है क्या सर मेरा 68 है क्या हो जाएगा। तो जी अभी बताऊंगा मैं कैटेगरी वाइज आपका होगा कि नहीं, आपका कितना होना चाहिए सिव स्कोर। यहाँ पे राहुल कुमार जी ने फिर से पूछा है सर मेरा 47 सही है, मैं आता हूँ हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम कमेंट्स को रीड कर लिया है, बट मेरे को कमेंट्स अधिकतर यही मिल रहे हैं कि सर मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरी कैटेगरी वो है, मेरा होगा कि नहीं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा, आप उससे संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ इतना स्कोर है, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस है। एंड इसके साथ साथ बहुत से कमेंट्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, सर रिजल्ट कब आ रहा है, मोबाइल स्क्वाड का भी पूछ रहे हैं बहुत से बच्चे, और उसके साथ साथ अभी प्रेजेंट में इसका डेट क्या है, कुछ अपडेट्स वगैरह ये भी पूछ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए, चूंकि आप लोगों का 2 डेज में एग्जाम कंडक्ट हुआ था अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में, तो आपको टाइम लगेगा वहां पे बताने में, इसलिए मैं कमेंट्स को रहने देता हूं। आप लोगों को मैंने कमेंट्स दिखा दी, अब हम देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा एंड आपका जो रिजल्ट का डेट है वो कब और कब तक आ सकता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके बिहार पुलिस आपका जो संभावित कट ऑफ है उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स चूंकि आपके अलग अलग कैटेगरी हैं तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ देखेंगे। आप लोग कुछ यहाँ पे समझ लीजिए कि आप लोग का जो एग्जाम डेट है वो है 12/10/2020। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप लोगों का चल रहा था कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उसी दिन की ये बात है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट शिफ्ट है और जो है सेकेंड शिफ्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी दी गई है और जे एम सिंबल दर्शा रहा है आपके मेल को और एफ फीमेल को। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है यूआर कैटेगरी का। दोस्तों मैंने हर एक चीज का एनालिसिस कर लिया है, आपके कमेंट्स का एनालिसिस, आपके एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, जो कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कोई बोल रहा है HD टू मॉडरेट रहा है, कोई बोल रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, बट मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना है कि सर एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। तो दोस्तों मैंने उसी आधार पर यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो निकाला है एंड आपका जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उसको भी देखा है, आपको कितने गुना सिलेक्ट किया जाएगा, हर एक चीज का एनालिसिस किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग यदि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यदि मेल हैं, आपके 72 से लेकर 77 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल गुड है, आपका मार्क्स बिल्कुल अच्छा है, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है।
इसी प्रकार से यदि आप फीमेल हैं और आपने फीमेल यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपने 51 से लेकर 55 के समथिंग समथिंग गेन किया है, तो आप भी बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाइए, आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में यदि आप यूआर के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, आपने यदि गेन किया है 70 से लेकर 75 के अराउंड, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार से बात कर लेते हैं आपके फीमेल की। आप फीमेल से बिलोंग करती हैं और आपकी कैटेगरी है यूआर और आपकी सेकेंड शिफ्ट थी, तो दोस्तों आपके मार्क्स होने चाहिए करीबन 50 से लेकर 54 के समथिंग। यदि आपका इतने स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन डन है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आपके 1 से लेकर 2 मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जा रहा है, जिसका मतलब होता है संभावित। कहने का मतलब 1 से लेकर 2 मार्क्स का वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाटा 100% अवेलेबल नहीं रहता, 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, 100% ट्रू कमेंट्स नहीं आते, कोई झूठे कमेंट्स भी कर देता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं किसका, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने आपके टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले से ऐड कर रखा है। तो दोस्तों आप बात करते हैं किसकी, ईबीसी की। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे मुंह से ईडब्ल्यूएस निकल जाता है, कैटेगरी अभी अभी लॉन्च हुई थी आपको पता होगा लास्ट ईयर में, इसलिए वो चढ़ा है। आप लोग जो नहीं समझना, सर बोलते कुछ है और बता कुछ है। तो दोस्तों ईबीसी का कट ऑफ देखते हैं यहाँ पर मेल का क्या। यदि आप स्कोर गेन कर रहे हैं आपके 67 से लेकर आपके 70 के बीच, तो दोस्तों आपका स्कोर इनाफ है, पर्याप्त है, आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन होने वाला है। इसी प्रकार से बात करते हैं फीमेल की। तो आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी है ईबीसी और आप मार्क्स गेन कर रहे हैं 47 से लेकर 50 के समथिंग, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर श्योर है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। आप अपने नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन में लगे रहे हैं, कोरोना के उसमें आकर दोस्तों आप हालांकि बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो पॉसिबल घर में अंदर हो सकता है फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, आप उसको कंटिन्यू रखें जब तक कि कोरोना का माहौल चल रहा है ना। और दोस्तों बात करते हैं आपके नेक्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का। यदि आप मेल हैं और आपकी कैटेगरी ईबीसी है और दोस्तों आपने मार्क्स गेन की है 67 से लेकर 70 के बीच, 67 से लेकर 70 के बीच, तो आपका सिलेक्शन 101% श्योर है, आपको टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर जा रहा है 47 से लेकर 50 के बीच, तो आपका यहां पर भी श्योर होने वाला है सिलेक्शन। तो दोस्तों ये तो आपके किसका, ईबीसी का। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का कट ऑफ क्या जा सकता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आपके क्या डब्ल्यूबीसी की, जो कि आपकी फीमेल की स्पेशल कैटेगरी है, आपको पता होगा। यदि आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं फर्स्ट शिफ्ट, आप डब्ल्यूबीसी से हैं और आपने मार्क्स गेन किया है करीबन 37 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों आप बना रहे हैं मार्क्स करीबन 41 के अराउंड, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाता है, डन हो जाता है, आपको टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में देख लेते हैं आपके 12/10/2020 की क्या की। दोस्तों 10 नहीं, यहाँ पे 1 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, ध्यान रखना, नहीं तो बोलोगे कि अभी 10 कहाँ से आ गया। तो दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का बोलते हैं, सेकंड शिफ्ट में यदि आप 36 से लेकर आपके मार्क्स बना रहे हैं कितने, आप मार्क्स बना रहे हैं 40 के बीच, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल श्योर होने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं डब्ल्यूबीसी से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के कट ऑफ। हाँ तो डिफेंस, हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं किसकी, आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो कि 10% आरक्षण में आते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेल का और फीमेल का दोनों का पहले से ऐड कर रखा है आपके टाइम की बचत के लिए। तो दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी है मेल, यदि आपने स्कोर गेन किया है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में कितना आपने गेन किया है 54 से लेकर 59 के बीच, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली 100% होने वाला है, श्योर है, आपका इतने में पर्याप्त है नंबर, बिल्कुल आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट है आपकी और आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो आपका स्कोर यदि 39 से 42 के बीच आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी यदि आपने गेन किया है मेल से कितना 54 से 62 के बीच, तो आपका यहाँ पर श्योर होने वाला है सिलेक्शन। और इसी प्रकार से यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, सेकंड शिफ्ट है, आपने 39 से लेकर 43 के बीच गेन किया है, मतलब 39 से लेकर 43 के बीच गेन किया है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं और भी जो बची कैटेगरी है।
हाँ तो फिर साहब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। आखिरकार आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लीजिए। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी एससी है, आप मेल से बिलोंग करते हैं, तो आपके 59 से लेकर 63 के बीच मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप फीमेल हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं 40 से लेकर 43 के बीच, तो आपका यहाँ पर पर्याप्त स्कोर है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं क्या सेकंड शिफ्ट का, तो दोस्तों यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल जस्ट का तस। आपके यहाँ पर कमेंट्स में को कॉमन कॉमन ही देखने को मिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर ली हमने एससी की, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो कि है एसटी, और आपका नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बीसी के कट ऑफ क्या जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं क्या आपके एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है बिहार पुलिस का। तो दोस्तों बात करते हैं एसटी की। यदि आप फ्रेंड्स मेल से बिलोंग करते हैं और आपने स्कोर गेन किया है कितना, आप देख सकते हैं 53 से लेकर 60 के बीच। जी हाँ दोस्तों, आपका स्कोर यदि आ रहा है 53 से लेकर 60 के बीच, तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है मेल से एसटी कैटेगरी। और बात करते हैं क्या आपके फीमेल का, तो दोस्तों फीमेल से यदि आप बिलोंग करते हैं, आपने मार्क्स गेन किया है कितना, 37 से लेकर 40 के बीच, 37 से लेकर 40 के बीच यदि आपका मार्क्स आ रहा है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर होने वाला है। और इसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है सेम वही पोजिशन, 53 से 60 और 37 से 40। चूंकि फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देख लेते हैं लास्ट आपके बीसी का कट ऑफ। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी जो कि है कौन सी, बीसी। तो दोस्तों यदि आप बीसी से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल हैं या मेल हैं, यदि आप मेल हैं तो दोस्तों आपका स्कोर होना चाहिए करीबन 69 से लेकर 73 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल नो टेंशन नो फिकर वाली पोजिशन में है, आपको यहाँ पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आपका यहाँ पर कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं। और बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पर भी वही पोजीशन है आपकी। यदि आपका मार्क्स 69 से लेकर 73 के बीच आ रहा है, 69 से 73 के बीच आ रहा है, तो आपको यहाँ पर टेंशन की आवश्यकता नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल की, फीमेल में भी यदि आप 49 से 52 के बीच ला रहे हैं मार्क्स, तो आपका यहाँ पर श्योरली सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आप यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेम कंडीशन है, 49 से लेकर 52 के बीच मार्क्स है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन डन है। बट आप लोग ढील ना डालें, आप लोग फिजिकल फिटनेस बनाए रहें, क्योंकि आपके यहाँ पर फिजिकल बहुत डिफिकल्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट वहाँ से बिल्कुल 75% कैंडिडेट वहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाते हैं। रही बात आपके रिजल्ट की कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों आपको पता है अभी कोरोना का माहौल है, तो समझिए कि 1 से लेकर 2 महीने तक आपका रिजल्ट एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज निकलती है, बट मैं आपके समक्ष नहीं लाता, क्योंकि न्यूज तो न्यूज होती है। हाँ, हालांकि भास्कर वगैरह ऐसे जो पेपर्स हैं उनकी माने तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो मई के लास्ट वीक तक आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डेफिनेटली 101% आ जाएगा। तो दोस्तों आप वेट कीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप फिजिकल फिटनेस बनाए रहिएगा। और फ्रेंड्स अभी भी आपके मन में कोई कमेंट्स है, डाउट्स है जो कि आपको सॉल्व कराना हो, तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं बेझिझक उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों एक बात, जो नेक्स्ट शिफ्ट है आपकी, नेक्स्ट डे में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये तो मैंने 12 को बताया है, आप लोग के मन में आ रहा होगा अभी जो 8 को हुआ था वो एग्जाम, उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए, चूंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा जा रही है, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें उसका कवर कर देंगे, है ना। तब तक के लिए टेक केयर।